Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आज के इस lesson के अंदर मैं आपको 3D के project के ऊपर काम करना बताने जा रहा हूं, बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। Basically होता क्या है, जब अभी तक हमने जितनी भी commands सीखी हैं या जो कुछ भी हमने किया है, ये just हमने commands की हद तक इनको काम किया है। अब जब तक आप इनके ऊपर प्रैक्टिकली इनको अप्लाई नहीं करोगे तो आप कभी भी ठीक तरह से 3D सीख नहीं पाएंगे। और आप देखकर लाजमी लाजमी आपको एक सरप्राइज होगा कि कितना आसान काम किया जाता है 3D के अंदर, कितनी आसानी से काम होता है। AutoCAD का 3D बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक आप इसको एक मीठी की तरह इसे ले सकते हैं, इतना ईजी आपके पास ये। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैंने आपके लिए जो काम करना है मैं आपको दिखा दूं। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक प्लान है और उसका यहाँ पे मेरे पास फ्रंट एलिवेशन है। होना तो ये चाहिए बेसिकली, जैसा आपके पास आपका फ्रंट एलिवेशन है प्लान का, वैसे ही आपके पास 3D बनना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था, पहले मैं आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स बताऊंगा 3D के अंदर काम करने के। जब हमें बेसिक कवानीन इसके मालूम हो जाएंगे, बुनियादी नुक्ते मालूम हो जाएंगे, यानी कि डोर कैसे बनाया जाएगा, विंडो कैसे बनाई जाएंगी, दीवारें कैसे बनाई जाएंगी, मेरे पास पिलर्स कैसे ये डिजाइन किए जाएंगे, मेरे पास ये सामने का ये जो स्टाइल है ये कैसे बनाया जाएगा, मेरे पास की गोल विंडो कैसे बनाई जाएगी, रूफ कैसे बनाया जाएगा, जब ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप्स अपने यानी कि एलिवेशन के ऊपर, यानी कि फिर एक और 3D में बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको एक एलिवेशन के ऊपर रहकर काम करता हुआ दिखाई दूंगा। तो बेसिकली इंशाल्लाह हम इस तरह से अपने लेसन को आगे स्टेप बाय स्टेप्स लेकर चलेंगे। तो भी मैंने आपके लिए जस्ट इस मैप के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली मकसद है मेरा आपको मैप के ऊपर काम करने का तरीका बताना। तो देखिए मैंने ऑलरेडी अपने पास ये ओपन कर रखा हुआ है, आपके पास भी आएगा। और सबसे पहले इसके अंदर जो लाजमी चीजें हैं वो है यूनिट्स, अपनी आप यूनिट्स की सेटिंग कर लें, इंजीनियरिंग फिर सरेंच ओके कर दें और डी एंटर कर दें, डी डायमेंशन, आप मॉडिफाइड में चले जाएं, इसको आप इंजीनियरिंग फिर सरेंच ओके करके इसको भी आप क्लोज कर दें। इसी तरह से आप व्यू के अंदर चले जाएं, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन कर दें, ठीक है। अब ये काम है तो मैं 3D के ऊपर से लेकर चला गया, टॉप व्यू पे थे, मैंने इसको इधर क्लिक कर दिया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास ये व्यू आ गया, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं इन स्टेप्स को केयरफुली देखिएगा। और यहां पर ये भी मैं आपको बात बताता चलूं, हर बंदे का, हर एक काम करने का अपना मेथड होता है। अब ऐसा ना हो जिस तरह से मैं काम करूं आप कहें नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे भी होता, बिल्कुल हर तरह से होता है, जिस तरह से मर्जी आप काम करना चाहो उस तरह से होता है, ये याद रखिएगा। हर बंदे का अपना मेथड है, अपना तरीकेकार है, ठीक है। तो मैं आपको अपना मेथड बताऊंगा, आपको इससे बेहतर मेथड आता है आप उसके मुताबिक करो, तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं लेसन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पास एक लेयर्स बनाऊंगा, क्योंकि मुझको जितना भी काम करना होता है पॉलीलाइन के थ्रू करना होगा, ये तो मेरे पास सिंपल लाइन है, अब इनको मैं कैसे 3D बनाऊंगा, तो मेरे पास एक लेयर होनी चाहिए। लेयर के लिए मैं लेयर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ या एल ए एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से और न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। इसे मैं मैप की लेयर बनाना चाह रहा हूँ, ओके कर दूंगा। मैं इसे मैप की लेयर में क्यों बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बाय डिफॉल्ट ये जीरो लेयर्स के अंदर हैं। तो मैंने इसको सिलेक्शन दे दिया यहाँ से, बल्कि मैं इसको टॉप व्यू पे ले जाता हूँ, आपको बेहतर दिखाई देगा। आप इसको सिलेक्शन दे दें इस जगह से, सिलेक्शन देने के बाद मैं इसको सीधा मैप के ऊपर क्लिक कर दूंगा, मैप के नाम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल एस कर दें, क्योंकि आपके पास इसको सेव होना जरूरी है, तो मैं इसको देता हूं माय 3D प्रोजेक्ट। तो मैंने इसको माय 3D प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अब आपने इसको साथ साथ सेव भी मस्ट करना है। अब देखें क्या, जैसे आप क्लिक करें तो यहां पर मैप्स लिखा होता है, बिल्कुल आता है डेफिनेटली। अब मैंने कोर लेयर्स बनानी है, वो लेयर किस चीज की होगी, मेरे पास मेरी वॉल की लेयर होगी, दीवारों की लेयर्स होगी, ठीक है। कैसे, यानी क्या, वापस एल एंटर करें अपने कीबोर्ड से, लेयर पे क्लिक कर दें और वॉल का नाम दे दें। बेहतर यह है कलर भी चेंज कर दें, क्योंकि जब मैं व्हाइट्स के ऊपर काम करूंगा व्हाइट्स लाइंस के ऊपर तो मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने एक डिफरेंट कलर भी ले लिया है। अब मेरे पास क्या है, इधर आ जाए, तो सॉरी मैं कलर ठीक नहीं कर पाया था इसका, तो मेरे पास यहां पर एक लेयर है जिसका कलर मैंने ग्रे कर डाला है, ओके कर दें।
अब मेरे पास ये है। अब जब मुझे काम करना है तो आपने देखना ये होगा, मैं इसके ऊपर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपना काम। मुझे पॉलीलाइन इसके ऊपर मूव तमाम के ऊपर ट्रेस करनी है पॉलीलाइन, लेकिन जब मैं व्हाइट के ऊपर व्हाइट लाइन लेकर जाता हूँ तो मुझे कंफर्म नहीं होता। तो मैं क्या कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जस्ट यहाँ से जाके अपने पास वाल को मैं एक्टिव कर दूंगा। अब आपके पास वाल आपकी एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे। जब इधर आपकी वाल एक्टिव हो चुकी है तो कलर्स भी देखें आपके पास ये आ जाएंगे, बाय लेयर कलर आ चुके हैं। बाजू का तो आपके पास व्हाइट ही रहता है, तो प्रॉब्लम ये होती है बाय लेयर, बाय ब्लॉक या बाय कलर नेम कोई भी आप ले सकते हैं, तो हमें बाय लेयर चलना है। अब आप क्या करेंगे, एक पॉलीलाइन अपने पास उठा लें, उठा ली आपके पास। जैसे मैंने आपको शुरू के दिनों में बताया था आपके पास 3D माउस का होना जरूरी है इन आउट जूम इन के लिए, तो इसको एक साइड पे ले जाएं। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा अपना 3D, एक क्लिक मैंने किया और दूसरा क्लिक किया। मैंने क्या करना है, इन तमाम लाइनों को ट्रेस बनाना है। वापस आप इधर क्लिक कर दें, याद रखिएगा बीच में विंडोज वगैरह जो आ रही हैं या ओपन एरिया जो आ रहे हैं इनको हमने टच नहीं करना, इनको हमने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। आप इधर क्लिक कर दें फिर, और आपका मकसद है दो लाइनों के साथ, जिधर सिंगल लाइन है इसके ऊपर भी आप ना चलें, वापस ऊपर आ जाएं यहाँ पे। अब देखें आगे फिर आपके पास ये सिंगल लाइन चल रही है तो मैंने इसके ऊपर नहीं जाना। दूसरी जो इसकी लाइन है ये आपके पास इसकी छत की लाइन है, ये भी आपके पास छत है, और इसके इसके बाहर जो छत निकला वो ये है आपके पास, ठीक है। इधर आ जाए, यहाँ पे क्लिक कर दें। अब मेरे पास यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स कर्व आ रहा है, तो इस कर्व के ऊपर अभी ना जाए, आगे निकल आए, क्लिक कर दें, वापस ये क्लिक कर दें और अपने आप को रिटर्न करें। अब देखें यहाँ से आप इस तरफ रिटर्न हो रहे हो, सिंगल लाइन के ऊपर कभी भी नहीं जाना आपने। अपने आप को इस तरफ को रिटर्न करें, अगेन ऊपर की तरफ क्लिक करें और फिर इस तरफ निकलें। अगर आपके पास 3D माउस नहीं है तो उधर से आप ये पेन कट यूज कर सकते हो। देखें पेन से आप दाएं बाएं, लेकिन इसके थ्रू आपको ज़्यादा लेंथी काम करना पड़ेगा। वापस आप इधर आ जाएं, मैंने इसको ये क्लिक कर दिया, इधर आ जाएं, क्लिक ऊपर की तरफ क्लिक। डोर्स वगैरह के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ दीवारों की जो लाइन है उनको आपने फॉलो करना है। इस तरह से ये आपके पास ड्रेसिंग रूम का एरिया था, स्टाइल बना हुआ था, इधर आ जाएं, क्लिक कर दें और वापस। अब आपको इसी तरह मालूम है आपका स्टार्ट यहाँ से था, आप इधर भी क्लिक कर सकते हो और सी एंटर कर सकते हो। सी एंटर से क्या होगा, आपका क्लोज हो जाएगा, और साथ में कंट्रोल एस कर दें, आपने इसको कंट्रोल एस कर दिया। अब जरा पीछे चलते हैं, देखिए ये वाला एरिया मैंने क्यों छोड़ा था, ये मैंने इसलिए छोड़ा था अगर आप पॉलीलाइन यहां से ले लेते हो, आप इसको एक पॉइंट दे देते हो यहाँ पे और ऊपर जाए और यहाँ पे क्लिक कर देखिए तो आपके पास सीधा आ जाता है। लेकिन अभी आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे हमारे पास पॉलीलाइन के अंदर आर्क की ऑप्शन तो है, बिल्कुल थी, आप इसको अंडू करें। मैं यहां से अगर एंटर करूं तो देखें तो आर्क मेरे पास ये अंदर की तरफ जा रही थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ना मुनासिब समझा। तो आए अभी इसको देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आप पॉलीलाइन ही लेंगे, आर्क को एक्टिव कर दें एंटर करने से, एक क्लिक इधर कर दें और आप एल एंटर कर दें, एल के बाद आप एक क्लिक इधर कर दें, अगेन आप एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से आर्क के लिए। अब बेशक ये अंदर की तरफ बन रही है, बनने दें ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करें, फिर एल एंटर करें और सी से क्लोज कर दें। अब करना क्या है, आपने इस पॉइंट को इसके साथ एडजस्टमेंट कर देनी है, इसको ऊपर से पकड़ें और पीछे लाकर क्लिक कर दें। ऐसा मैं पहले भी कर सकता था लेकिन मकसद मेरा था आपको समझाना इस चीज़ को, ठीक है। वापस इधर आ जाएं, कंट्रोल एस कर दें। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इस लाइन में ना तो कोई विंडो है, ना तो कोई रोशनदान है, ना कुछ, ना कुछ, बिल्कुल सीधी सी लाइन है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। तो इसको मैं पॉलीलाइन भी लगा सकता हूँ और बी ओ का यूज कर सकता हूँ, बाउंड्री पिक पॉइंट, इसके मिड पे क्लिक किया, एंटर कर दें, कंट्रोल एस कर दें। देखिए आपके पास वही कलर आ चुका है यहाँ पे। इसी तरह से इधर आ जाए, यहाँ पर भी सेम यही मसला है। देखें आपके पास ये लाइन इधर से स्टार्ट हो रही है और इसे रिपीट ऊपर जाकर क्लोज हो रही है, बी ओ बाउंड्री पिक पॉइंट, इसके मिडिल पे क्लिक कर दें और एंटर। और स्टेज वगैरह को अभी बिल्कुल आपने टच नहीं करना है, इनको कैसे हमने काम करना है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये मेरे पास हो गया। अब मेरे पास फिर अगेन ये बड़ी वाली शेप आ चुकी है, पॉलीलाइन का स्टार्ट करेंगे आप, वन टू, आप ए प्रेस करें तो इसमें बताओ देखिए मेरी आर्क बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। जब परफेक्ट चली जाए ठीक है, क्लिक कर दें और एल एंटर कर दें। इसको मैं एडजस्टमेंट करता हूँ थोड़ी देर में, आप ऊपर की तरफ निकले, क्लिक क्लिक इस तरह से, यहाँ पे भी क्लिक। अब देखिए रिटर्न कर रहा है आपको, अगेन फिर रिटर्न कर रहा है। तो जो आपके पास डबल लाइंस होंगी आपके मैप्स कलेक्शन, आपके मैप्स की, उसके ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। देखें ये रहा, ये रहा, क्लिक और एक क्लिक, वापस आप रिटर्न हो रहे हो, क्लिक। अब देखें आपसे अगर कोई गलत क्लिक हो गया, यू एंटर कर सकते हैं जो कीबोर्ड से अंडू के लिए, लेकिन इसके बीच में आपको रुकना नहीं है। अगर आप इस पॉलीलाइन को बीच में कहीं ब्रेक करवा दोगे, कहीं रोक दोगे,
तो आपका काम सारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी क्लिक करते हैं और अगेन ए प्रेस करते हैं, एक और आर्क आपने ले लिया यहाँ पे, और ये देखिए आप ये पीछे वाली आर्क है, फिर एल ले, अगेन इधर क्लिक कर दें और सी से क्लोज कर दें, कंट्रोल एस कर डालें, अब क्लिक करें इसको उठाकर पीछे लें ये, और अगेन इसको भी पिक करें उठाकर इधर पीछे लें, कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका काम सेव नहीं होगा उस वक्त तक आपका काम ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। अब वापस कंट्रोल एस किया आपने, और अब देखें ये वाला एरिया आपका पॉइंट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ये एरिया भी पॉइंट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और ये एरिया भी। देखें अब इसी तरह से हम ऊपर की तरफ निकलते हैं, ऊपर वाले एरिया के ऊपर आ जाते हैं, अब मेरे पास ये एरिया आ जाएगा। अब इसके बीच में विंडोज वगैरह तो देखें यहां से तो कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां पर तो है, इसलिए यहां पर मैं अपने पास बाउंड्रीज वगैरह की ऑप्शन नहीं ड्रॉ कर सकता। अब आपको क्या करना होगा, पॉइंट लाइन ही लगाएं, आप एक पॉइंट से उस अपना स्टार्ट ले लें, 1 2। एक बात याद रखिएगा, जहां से आप स्टार्ट लेते हो वहां पर ही आकर आपको फिर एंड करना होता है, तो आपने बस डबल लाइंस के ऊपर जाना है, यानी कि जो आपके पास आपकी घर की रूम्स वगैरह की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको आपने स्टेप बाय स्टेप क्लिक करना है। अब मैंने अगेन इसको अंडू किया, क्लिक क्लिक वापस, देखें ये यहां पे मिस्टेक से लाइन लगी गई है। अब देखें यहां पर लाइन टेढ़ी हो चुकी है, यू इंटर और यू इंटर, अगर इसको मैं बाद में भी करता मॉडिफाइड तो, क्योंकि मेरे पास एजेस था, जस्ट मैं इसको पिक करके इसके साथ क्लिक कर देता, लेकिन चलें वो मैं आपको लास्ट में जाकर ऑप्शन बताता हूं, अगर मिस्टेक हो जाए तो कैसे कंफर्म करना है उसे, क्लिक। तो देखें विंडोज वगैरह को कुछ भी नहीं करना, डोर वगैरह को कुछ नहीं तंग नहीं करना, बस आपने क्लिक करते जा रहे हैं। यहाँ पर आए और ए लगा कर देखें क्या आपकी लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, बिल्कुल ठीक है आपके पास ये जा रही है, तो आप क्लिक कर सकते हैं एल, अगेन इधर आ जाए, अगेन ए लगा दें आर्क, फिर इस तरफ जाना था आपने एल। अब इसको कैसे एडजस्टमेंट करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें वापस रिटर्न करना होता है, मैं पहले इधर क्लिक कर देता हूँ, ये रहा फर्स्ट कर, मैंने गलत क्लिक कर दिया और ये मेरे पास आ गया, मैंने सी क्लोज कर दिया से, सबसे पहले कंट्रोल एस। अब क्या करना है, इसको पकड़कर आप पीछे लें, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, तो ये ऑप्शन में बताना चाह रहा था, मिस्टेक हो जाए उसको इस तरह से क्लियर किया जाता है, और आ जाए वापस इधर यहाँ पे, इसको पकड़ के पीछे करते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, राउंड शेप अगर ठीक नहीं हो रहा तो ये मेथड यूज करें, अगर हो रहा तो फिर ये वाला मेथड यूज करें। अब आप ये देखें क्या आपके पास जो आपकी वॉल हैंगर की वो तमाम कन्वर्ट हो चुकी है पॉली लाइन में, बिल्कुल कन्वर्ट हो चुकी है, और ये भी गौर से देखिएगा क्या कोई पॉइंट ऐसा रहा तो नहीं गया जिसको आप एक क्लिक करें तो फुल सिलेक्ट ना हो रहा हो, देखिए तमाम मेरे पास छोटे छोटे पीसेस बन चुके हैं, ठीक है कंट्रोल एस करते और आप 3D व्यू में आ जाएं। आप 3D व्यू में आ चुके हो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके लिए कमांड ड्रॉ करता हूँ, वो कमांड क्या है, आप ड्रॉ के अंदर जाएं, सॉलिड के अंदर जाएं और एक्सट्रूड की है, लेकिन शॉर्टकट में लगाऊंगा EXT, एंटर किया, क्लिक क्लिक, जो मेरी वॉल्स हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर दिया है, तमाम वॉल्स को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है अब एंटर करूंगा। अब ये मुझसे हाइट मांग रहा है, तो जो हमने एलिवेशन में हाइट देना सीखी थी, यानी कि 10 फुट 6 इंच, एंटर और एंटर, जैसे मैंने इसको 2-3 मरतबा एंटर किया, अब शेड के ऊपर आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो देखें आपके पास यहां पर परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट 3D बना हुआ आ चुका है, कंट्रोल एस कर देंगे। अब यहां पे आप देखें मेरे पास इधर ऊपर से ये ओपन एरिया है, इधर से ओपन एरिया है, हत्ता कि प्रैक्टिकली ओपन एरिया नहीं होता, अगर आप अपने पास इन लाइंस में जाकर देखें तो आपके पास यहां पर विंडोज भी हैं, डोर्स भी हैं, लेकिन शेड के अंदर ऐसा आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ये काम कैसे करना है, क्या कुछ है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा काम है, बिल्कुल इजी काम है, सिंपली आपको जस्ट क्लिक्स अपने कंफर्म करने हैं, उसको जस्ट आप EXT करेंगे तो आपका 3D यहाँ पे कुछ हद तक रेडी हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं।
اس حد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مزید معلومات اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.xpacademy.com جہاں پر تمام کمپیوٹر کورسز آپ کو فری آن لائن کرائے جاتے ہیں. اینڈ میں ایک ٹیسٹ لینے کے بعد آپ کو xpacademy.com کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیا جاتا ہے جس کی ہارڈ کاپی بذریعہ ٹی سی ایس آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق آپ کو بھیج دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر آپ xp اکیڈمی کی تیار کردہ آٹو کیٹ کمپلیٹ کورس یا ان کی ایک اسپیشل سٹڈی جو ہم لوگوں نے آپ کے لیے کریئٹ کی ہے جس کے اندر آپ کے لیے 200 سے اوپر میپ کلیکشن موجود ہے, اگر آپ وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں ای میل کال کر سکتے ہیں. ای میل کے لیے ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, xpacademy@ymail.com یا ہمارا اسکائپ آئی ڈی اگر آپ لینا چاہیں xpacademy, یا آپ ہمیں ہیلپ لائن پہ ہماری کال کرنا چاہیں 03439017779 پہ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, انشاءاللہ نیکسٹ لیسن پھر ملتے ہیں. اس تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.